हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज आपको मैं अपने आसपास के पेड़ पौधों के बारे में बताऊंगी। जैसे कि इसमें कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो हमारे लिए दवाई के रूप में, औषधि, जिसे हम औषधि भी बोलते हैं, उस तरीके से भी काम आते हैं। उन चीज़ों के बारे में हम आज हम सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इन औषधीय पौधों के बारे में मैं आपको बताऊँगी। अशोक का पेड़, अपने आसपास आपने देखा होगा अशोक का पेड़, है ना? ये पार्कों में, घर के आसपास, ये सब जगह दिखाई देता है, ठीक है? और आप इसको देख सकते हो, ये छायादार पेड़ है और इसकी छाल से कई तरह की बीमारियां, जैसे पेशाब या यूरिन वगैरह की जो प्रॉब्लम आप बोल समझ सकते हो, उसके लिए इसकी छाल का इस्तेमाल होता है। दूसरा है हमारा नींबू। नींबू आप सभी लोग जानते हो, गर्मियों में इसको हम शिकंजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सलाद के रूप में इसको ले सकते हैं, और एक तरीके से ये उल्टी या किसी और बीमारी के लिए भी, कई अन्य बीमारियों के लिए भी काम आता है। उसके बाद मूली। मूली को आप जानते हैं कि मूली को हम सलाद के रूप में खाते हैं, ये सब्जियों के रूप में भी हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा लहसुन। लहसुन गैस, लहसुन को आपने देखा होगा सब्जियों में डाला जाता है, ये गैस वगैरह जैसे ऐसी बीमारियों के लिए भी बहुत लाभदायक है। उसके बाद बच्चों, पुदीना। पुदीना आप जानते हो ना, चटनी के लिए आप इस्तेमाल करते हो, तो आप इसको चटनी में खा सकते हैं। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और ये आपके पेट को और दिमाग को शांत करता है। उसके बाद नीम। नीम दवाइयों के हिसाब से देखा जाए या औषधि रूप में देखा जाए तो सबसे ही बड़ा उपयोगी पौधा है। इसकी छाल, इसकी पत्तियाँ, इसकी निबोरी, हर चीज़ का इस्तेमाल दवाई के रूप में किया जाता है। उसके बाद तुलसी। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हर घर में पाया जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है, और आपने तुलसी का पौधा अपने घरों में भी लगा हुआ देखा होगा। तो बच्चों, ये सब हमारे वो पौधे हैं जो हम कहीं ना कहीं इनको दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अपने आसपास इन सब चीज़ों को देखते और समझते भी हैं। थैंक यू।